Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Good evening, सत्यश्रीकाल. स्वागत है आप सभी का testbook.com की ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मैं ऋतराज अवस्थी और आज जो हमारा नो योर स्टेट का दिन है आज हम भ्रमण करने वाले हैं पंजाब के बारे में आप सभी का स्वागत है जल्दी से सभी लोग जुड़ जाए अपना अटेंडेंस मार्क करें और आज चलते हैं अपन पंजाब का भ्रमण करते हैं गुड इवनिंग पूनम जी गुड इवनिंग प्रियंका अभिनव अनीशा, नीतीश सभी का स्वागत है जय हिंद रॉकी जी कैसे हैं आप ऑल गुड तो मोस्ट प्रोबली पंजाब के बारे में आपको वैसे तो बहुत सारी चीजें पता होंगी और जो चीजें नहीं पता होंगी वो हम अभी डिस्कस करेंगे तो सारी आपको पता चल जाएंगी ठीक है सबसे पहले तो ये बताओ पंजाब कितने लोग घूम करके आए हैं कितने लोगों ने घूमा है पंजाब और अभी अपने साथ कितने लोग पंजाब से जुड़े हुए हैं राइट right? कौन कौन है पंजाब से जल्दी से यहाँ पर आपको अपना बताना है कि यस सर वी आर फ्रॉम पंजाब हम पंजाब से हैं अपना प्रेजेंस शो करिए अटेंडेंस मार्क करिए और फिर चलते हैं आपके प्रदेश के बारे में जानते हैं कितने लोग हैं पंजाब से सो so, जल्दी से अपना अटेंडेंस मार्क करो भाई पंजाब से आई एम वेरी गुड तो लेट स्टार्ट देखिए जैसे कि आज का हम टेबल ऑफ कंटेंट देखें अभी तक तो मैं टेबल ऑफ कंटेंट में आपको सिर्फ नाम ही बता देता था बट आप देख सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट अपनी कितनी सारी है मतलब क्या क्या चीज़ें अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं इनके बारे में राइट सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे सो मिलेगा आपको फॉर्मेशन कैपिटल सिटी नोन फॉर गवर्नर सीएम चीफ जस्टिस एरिया बॉर्डर लाइन पॉपुलेशन ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट सिंबल डिफरेंट डांस फॉर्म यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट नेशनल पार्क वर्ल्ड सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिवर डैम लेक वाटरफॉल पावर प्लांट एयरपोर्ट स्टेडियम ट्राइव इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट निक नेम ऑफ द सिटी इंपॉर्टेंट रीजनल फेस्टिवल टूरिस्ट अट्रैक्शन और जी आई टैग हर स्टेट के बारे में इतनी चीज़ें हम क्या करते हैं डिस्कस करते हैं जितने भी स्टेट अपन ने अभी तक डिस्कस करे हैं उन सब में और आज भी हम पंजाब के बारे में यही सारी चीज़ें जानेंगे सबसे पहले तो आप देखिए लोकेशन पंजाब की ये आपको यहां पर दिखाई देगा दिस इज पंजाब ये पंजाब दिखाई देगा राइट इससे पहले हमने कौन कौन से स्टेट डिस्कस कर लिए हैं सो वी हैव स्टार्टेड विद महाराष्ट्र महाराष्ट्र के बाद हम गए थे वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल से हम पहुंचे थे बिहार बिहार से हम आए थे राजस्थान राजस्थान से हम गए थे हरियाणा हरियाणा से हम गए थे गुजरात राइट मध्य प्रदेश ये स्टेट अपने यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं नॉर्थ इंडिया में अभी हमारे सामने बचा हुआ है यहाँ पे देखो छत्तीसगढ़ बचा है उत... छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पे झारखंड बचा हुआ है उत्तर प्रदेश बचा है उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश राइट इसके बाद अपन कहाँ चलेंगे दक्षिण की तरफ चलेंगे नॉर्दर्न साइड के स्टेट कवर करने के बाद हम दक्षिण की तरफ चलेंगे सो लेट्स बिगिन विद अ क्वेश्चन जैसा कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है पूछा गया है हाउ मेनी सीट्स आर इन लोकसभा ऑफ पंजाब पंजाब में लोकसभा की कितनी सीटें आ जाती हैं यह आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर देना है आपको राइट बताना है कि पंजाब में लोकसभा की कितनी सीटें हैं उसके बाद अपन चलेंगे आगे ओके सो देखिए इसका सही उत्तर 23 नहीं है आशुतोष तेईस नहीं है वेरी गुड गुरप्रीत सिंह जी राइट आंसर यहां पर इसका क्या हो जाएगा थर्टीन देखिए पंजाब में जब हम लोकसभा की बात करते हैं सो पंजाब में हमें लोकसभा की कितनी सीटें देखने को मिलती हैं लोकसभा की सीटें मिलती हैं हमको तेरह राज्यसभा की कितनी सीटें हैं राज्यसभा की सीटें देखने को हमें मिलती हैं यहां पे सात और विधानसभा में कितनी सीटें हैं कोई बताएगा हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन पंजाब विधानसभा पंजाब की विधानसभा में कितनी सीटें हैं ये आपको बताना है राइट एरिया वगैरह हम सब कुछ डिस्कस करेंगे बट सबसे पहले आपको बताना है पंजाब की विधानसभा में कितनी सीटें हैं विधानसभा सभी को पता है ना कितनी सीटें हैं पंजाब की विधानसभा में भाई पंजाब वाले लोग सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कितनी सीटें हैं ओके okay, गुरप्रीत जी ने यहां पे सबसे पहले बताया है इसका राइट आंसर हो जाएगा 117 विधानसभा जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं इसका सही उत्तर कितना है 117 और विधान परिषद तो यहां पे है ही नहीं विधान परिषद तो है ही नहीं राइट right? तो सबसे पहले देखिए पंजाब का फॉर्मेशन पंजाब का फॉर्मेशन कब हुआ था और पंजाब को किस चीज के लिए जाना जाता है तो द स्टेट ऑफ पंजाब अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट लवली एंड डाइवर्स स्टेट है इंडिया का ये फॉर्म होता है इसके जो भी पर्टिकुलर सिटीज हैं और यहां पर अगर हम देखें कि ये जो पर्टिकुलर है तो वैरायटी ऑफ लाइफस्टाइल स्टाइल यहां पर हमें देखने को मिलती है कल्चरल हेरिटेज साइट्स आपको यहाँ पर बहुत सारी देखने को मिलती हैं और जो पंजाब के लोग होते हैं ये मोस्ट हॉस्पिटेबल होते हैं मतलब आपको एक बहुत अच्छे से आव भगत आपकी बहुत अच्छी होती है राइट लस्सी और सारी चीजें यहाँ पे फेमस ही हैं खाने पीने की और पंजाबी लोग सबसे ज्यादा किसके लिए जाने जाते हैं खाने के लिए ही जाने जाते हैं राइट right? तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा पंजाब का फॉर्मेशन हुआ था ऑन फर्स्ट नवंबर 1966 सिक्सटी एक नवम्बर उन्नीस को पंजाब का फॉर्मेशन हुआ था इसकी राजधानी चंडीगढ़ है चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है पंजाब के अलावा ये हरियाणा की भी राजधानी है चंडीगढ़ राइट right? पंजाब को जाना जाता है लैंड ऑफ फाइव रिवर पांच नदियां यहां से कौन बहती हैं तो एक जिसे अपन कहते हैं सतलुज ब्यास राबी चिनाब और झेलम ये पांचों नदियों का लैंड कहा जाता है दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज पंजाब और ग्रीनरी ऑफ इंडिया भारत का ग्रीनरी तो कहा ही जाता है क्योंकि पूरे भारत में जितनी भी फसलें होती हैं उसका लगभग एक तिहाई तो कहां पे हरियाणा और पंजाब में होता है राइट और वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑरेंज प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया ये भारत में जो भी स्टेट में ऑरेंज प्रोड्यूस होता है उनमें से अगर देखें तो ये एक लार्जेस्ट स्टेट कहला जाती है पंजाब राइट जहां पर ऑरेंज का भी प्रोडक्शन होता है अब यहां पर हम बात करते हैं इनके गवर्नर की राइट गवर्नर की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए पंजाब के जो गवर्नर हैं ये आपके कहला गए श्री या जो सर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी जी ये 15 अगस्त उन्नीस से लेकर के 11 मार्च उन्नीस तक पंजाब के गवर्नर रहे हैं और प्रेजेंट में यानी कि आज जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तब श्री वीपी सिंह भंदौरे जी पंजाब के गवर्नर हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर जो थे इनका नाम था श्री गोपीचंद भार्गव जी ये भी आपके फिफ्टीन अगस्त से लेकर के थर्टीन अप्रैल नाइनटीन तक रहे हैं और एट प्रेजेंट में है श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ये अभी पंजाब में क्या है अभी पंजाब के ये चीफ मिनिस्टर हैं। चीफ जस्टिस आप सभी को मैंने बताया था कि पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है ये कहां पे सिचुएटेड है चंडीगढ़ में है फर्स्ट चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के थे इनका नाम था श्री रामलाल जी और एट प्रेजेंट में कौन है ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर रविशंकर झा जी पंजाब की जो एरिया है एरिया अगर हम देखें तो स्क्वायर माइल्स में जब आप देखोगे नाइनटीन स्क्वायर माइल है या 50,362 स्क्वायर किलोमीटर है सिर्फ यूनिट का डिफरेंस है एक को माइल्स में रखा गया है एक को रखा गया है किसके तौर पे, किलोमीटर के तौर पे रखा गया है राइट भाई पंजाब के लिए देखो सभी का प्रेम जग जाहिर है जल्दी से अपना अटेंडेंस मार्क करना है लाइक करके पंजाब के बारे में बताना है ठीक है यहां पर देखिए फॉरेस्ट कवर एरिया अगर अपन जाने पंजाब में तो देखो पंजाब को मेनली एग्रीकल्चर स्टेट के तौर पे जाना जाता है जिसका 83 परसेंट का जो हिस्सा है ये ज्योग्राफिकल अंडर किसके आता है एग्रीकल्चर के आता है देन परसेंट जो लगभग 3084 स्क्वायर किलोमीटर है इसका ज्योग्राफिकल एरिया इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट के रिगार्डिंग यहां पर यह कहा जाता है कि इतना जंगल इसमें पाया जाता है अदरवाइज पंजाब में क्या है मैक्सिमम आप देखेंगे मैक्सिमम देखेंगे तो पंजाब में आपको क्या मिलेगा एग्रीकल्चर खेती राइट right? आगे देखिए यहां पर आपसे बॉर्डर लाइन के बारे में पूछा गया है तो पंजाब का जो बॉर्डर लाइन है बॉर्डर लाइन एक साइड तो यूनियन टेरिटरी जिसे कहा जाता है आपका जम्मू एंड कश्मीर राइट right? जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी आ जाएगी नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट में हरियाणा आ जाता है साउथ में साउथ ईस्ट में Uh, अगर आप देखें तो राजस्थान है साउथ और साउथ ईस्ट में हरियाणा है राइट और राजस्थान कहां पर है साउथ वेस्ट में इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री पश्चिम में मिलती है पाकिस्तान से अगर आप इसका मैप देखना चाहें पंजाब का तो देखिए ये रहा आपके सामने पंजाब का मैप राइट यहां पर आप देखेंगे सो हम चलते हैं पहले भारत हम पहते पहुंचते हैं इंडिया दिस इज अवर इंडिया इंडिया में हम एंटर करेंगे कहां पर इंडिया के जब हम मैप में एंटर करेंगे तो हम पहुंचेंगे दिस इज द रीजन ऑफ पंजाब दिस इज द लैंड ऑफ फाइव रिवर ये यहां पर देखिए यहां पे ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये रीजन पंजाब का किसके साथ मिल रहा है राजस्थान के साथ यहां से बाउंड्री है पंजाब की राइट दिस रीजन इज विथ राजस्थान इसके बाद यहां से पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये स्टार्ट हो जाता है हरियाणा और हरियाणा आपका इस पर्टिकुलर रीजन पे आता है चंडीगढ़ ये कॉमन आ जाता है ठीक है फिर इस पर्टिकुलर रीजन में अगर आप देखें तो यहां पर क्या आ जाएगा दिस इज हिमाचल प्रदेश ये हिमाचल प्रदेश कहला जाएगा और ये छोटा सा यहां पे जो रीजन है थोड़ा सा ये पर्टिकुलर रीजन में जो है ना ये किसको मिलेगा यूनियन टेरेटरी जो जम्मू कश्मीर तो ये वाला कौन सा रीजन है दिस इज द नॉर्दर्न रीजन ये आपका नॉर्दर्न रीजन कहला जाएगा है ना उत्तर वाला उत्तर में कौन आ गया जम्मू एंड कश्मीर सदन में आपका क्या आ गया राजस्थान आ गया इस पर्टिकुलर रीजन में आपका हिमाचल हरियाणा आ गया इधर साइड हिमाचल प्रदेश आ गया और ये आपकी जो यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ है राइट तो चंडीगढ़ यहां पे क्या है इसकी कैपिटल कहलाती है यस यस सारे जितने देखो एक चीज मैं आपको बताऊं जितने भी स्टेट हमने अभी तक डिस्कस किए हैं सारे स्टेट का आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया गया है ठीक है नो योर स्टेट करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट को देखिएगा जब आप वीडियो बाई वीडियो आगे बढ़ेंगे तो आपको वहां पर सारे वीडियो का प्ले उसके कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है सारे स्टेट्स का पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दिया है ओके सो ये हुआ आपका पंक्स पंजाब की बाउंड्रिया और दूसरे साइड वेस्टर्न में तो पाकिस्तान है ही राइट आगे चलते हैं अपन आगे बढ़ते हैं और देखिए पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन के रिगार्डिंग आप सभी को पता है कौन सी अथॉरिटी आ जाती है इट इज कॉल्ड एज सेंसेस साल 2011 का जो सेंसस है इसके रिगार्डिंग पाकिस्तान पंजाब की जो पॉपुलेशन है ये टू सेवन सेवन फोर थ्री डबल थ्री एट पीपल्स है इसके अलावा अगर आप यहां पे मेल और फीमेल का कन्वर्जन देखेंगे या मेल और फीमेल को कंट्रीब्यूट करेंगे सो वन फोर सिक्स थ्री नाइन फोर सिक्स फाइव मेल्स हैं और थर्टीन वन जीरो थ्री एट थ्री यहाँ पे फीमेल्स हैं ऑफिशियली भाषा जो यहाँ पर बोली जाती है दैट इज पंजाबी पंजाबी भाषा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है ओके okay, आगे चलते हैं अपन आगे बढ़ते हैं और यहां पर अपन जानते हैं पंजाब के स्टेट सिंबल्स के बारे में तो जो पंजाब के स्टेट सिंबल्स हैं इनमें अगर आप देखें तो सबसे पहले यहां पर आपको मिलेगा एनिमल एनिमल जस्ट लाइक ब्लैक बक राइट स्टेट वर्ड ये कहला जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं बाज नोदन बाज से क्या याद आता है आपको सबसे इंपॉर्टेंट कि जो पक्षी हैं वो घोंसला बनाते हैं बारिश के डर से और बाज कभी घोंसला नहीं बनाता क्योंकि उसको पता है कि बारिश होगी तो मैं बादलों के ऊपर उड़ जाऊंगा ओके इसके बाद देखिए फ्लावर फ्लावर जो पंजाब का है इट इज कॉल्ड एज द ग्लैसी फ्लावर ट्री जो पेड़ है ये कहला जाता है आपका बानियन दीज आर द स्टेट आइडेंटिटी ऑफ पंजाब ये पंजाब की स्टेट आइडेंटिटीज हैं राइट आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के तौर पे क्या क्या यहां पे उगाया जाता है तो देखिए वीट गेहूं भी मिलेंगे राइस भी मिलेगा ग्राम बार्ले ऑयल सीड्स मेज सुगर केन कॉटन पल्सेस ये सारी चीजें पंजाब में उगाई जाती हैं और इसके साथ यहां पर अगर आप देखें तो क्या ध्यान रखना है आपको इसके साथ अगर आप ये देखें कि भाई पंजाब जो है ना तो एक वर्ड से इसको नवाजा गया है वो वर्ड में आपको आगे बताऊंगा एक वर्ड से नवाजा गया है वो वर्ड में आपको आगे बताऊंगा साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखिएगा पंजाब में कोई भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है पंजाब में नो क्या क्या नहीं है नो पॉइंट अगर अपन देखें कि पंजाब में क्या क्या नहीं है तो सबसे पहले तो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से कोई भी नहीं है पंजाब में दूसरा यहां पर आप देखें तो आ जाएगा जो नेशनल पार्क कोई भी नहीं है पंजाब में नेशनल पार्क के बाद यहां पर जो वर्ल्ड सेंचुरीज अगर आप देखें तो वर्ल्ड सेंचुरी भी पंजाब में कोई भी नहीं है ध्यान रखिएगा ठीक है मतलब जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो पॉइंट हम सारे स्टेट में डिस्कस करते हैं लेकिन जहां पे होते हैं वहां पे जहां पे नहीं है वहां पे अपन डिस्कस नहीं करते हैं आगे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब इज ऑल्सो कॉल्ड द भारतीय राज्य पंजाब को कहा जाता है इंडियाज ब्रेड बास्केट इंडियाज राइस बास्केट इंडियाज कॉटन बास्केट और इंडियाज फ्रूट बास्केट क्या कहा जाता है पंजाब को वॉट बी कॉल पंजाब क्या कहते हैं पंजाब को तो इसका सही उत्तर आपको बता होगा राइट right आंसर कहला जाएगा इंडियाज ब्रेड बास्केट भारत का ब्रेड बास्केट इसको कहा जाता है पंजाब को बिकॉज जो जी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसमें अगर आप देखो तो पंजाब में लगभग 5.78, 5.78 लाख यहां पर लाख करोड़ के आसपास या 84 यूएस बिलियन के आसपास पंजाब में क्या होता है सबसे ज्यादा फर्टाइल स्टेट है और इसका जीडीपी इतना है इसके अलावा जो वीट का कल्टीवेशन है वीट का कल्टीवेशन यहां पे सबसे ज्यादा होता है भारत का 10 परसेंट कॉटन पंजाब में उगता है 19.5 मतलब लगभग 20 परसेंट जो वीट है 20 परसेंट जो गेहूं है ये कहां पे उगता है पंजाब में उगाया जाता है राइट ये सारी चीजें आपके पंजाब में आती हैं इंडियाज ब्रेड बास्केट इसलिए पंजाब को भारत का ब्रेड बास्केट कहा जाता है नेक्स्ट यहां पर देखिए निक नेम ऑफ द सिटीज पंजाब के जो शहर हैं उनका निक नेम क्या है राइट निक नेम ऑफ द सिटीज क्या है पंजाब का सो so इसे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो पटियाला है पटियाला को क्या कहा जाता है रॉयल सिटी कहा जाता है राइट right? अमृतसर को कहा जाता है गोल्डन सिटी और चंडीगढ़ चंडीगढ़ जो यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट में सिचुएटेड है इट इज कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ये चंडीगढ़ कहलाती है तो इसको कहा जाता है द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ को हम क्या कहते हैं द सिटी ब्यूटीफुल कहते हैं हम चंडीगढ़ को राइट right? ये आपके यहां पर क्या कहला जाएंगे निक नेम्स कहला जाएंगे सारे के सारे ओके चलते हैं अपन आगे यहां पर देखिए जो फोर्ट है कौन कौन से किले पाए जाते हैं पंजाब में तो पंजाब के जो फोर्ट है उनमें आपको देखिए गोविंदगढ़ फोर्ट गोविंदगढ़ फोर्ट यहां पे दिखाई दे रहा होगा आपको दिस इज गोविंदगढ़ फोर्ट और गोविंदगढ़ फोर्ट के बाद जो बहादुरगढ़ फोर्ट है ये दोनों किले पंजाब के बहुत फेमस हैं गोविंदगढ़ फोर्ट और बहादुरगढ़ फोर्ट साथ ही साथ ये अगर एक देखें तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर भी इनको देखा जाता है पंजाब में लेक कौन कौन सी पाई जाती है तो देखिए सबसे पहले तो सुखना लेक जो इसकी कैपिटल चंडीगढ़ में है अगेन ये चीजें अपन डिस्कस करेंगे जब मैं आपको चंडीगढ़ के बारे में बताऊंगा चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है जब अपन डिस्कस करेंगे उसके बारे में तो आएगा उसके अलावा हरिके लेक ये फिरोजपुर में है हरिके लेक और कांजी लेक जो कहां पर है कपूरथला में ये आपकी पंजाब में बहने वाली है पंजाब में लेक है राइट इसके बाद यहां पर आप अगर देखेंगे तो ये जो है ना ये हरिके लेक आपको दिखाई दे रही है आगे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोविंग इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ पंजाब पंजाब की सबसे बड़ी लेक कौन सी है राइट विच ऑफ द फॉलोविंग इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ पंजाब पंजाब की सबसे बड़ी झील कौन सी है इसका राइट right आंसर अगर आप देखेंगे सो वी कॉल इट एज हरिके लेक हरिके वेटलैंड यहां पर पंजाब का सबसे बड़ा पंजाब का सबसे लार्जेस्ट लेक है और ये अगर आप देखोगे तो तरुण सागर साहेब या जो तरन तारण साहेब हैं फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में उनके द्वारा यह बॉर्डर की जाती है ये वेटलैंड है अगर देखा जाए तो इसका कंस्ट्रक्शन आ, बहुत पहले रिवर सतलुज के मैं 1953 के आसपास जब बन रहा था तो उस टाइम पे इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था और ये जो आपका हेडवर्क है लोकेटेड कहां पर है डाउन में लोकेटेड है सतलुज रिवर के पास राइट और यहां पर जो बाकी आप देखें जैसे कांजी वेटलैंड है तो कांजी वेटलैंड या रोपड़ वेटलैंड भी इसको कहा जाता है ये पंजाब रीजन में है ये वाला जो है ना ये दोनों ये दोनों पंजाब में है जो चंदरताल है चंदेरटाल कहां पर है हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है आगे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और क्वेश्चन के बाद यहां पर आ जाते हैं हम डैम में कौन कौन से बांध यहां पर लोकेटेड है तो सबसे पहले तो रंजीत सागर बांध बना हुआ है पठानकोट में रावी रिवर के ऊपर बना हुआ है राइट पठानकोट में रावी नदी के ऊपर बना हुआ है रंजीत सागर डैम रंजीत सागर डैम आप सभी को पता ही होना चाहिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पंजाब में जो आपका सिंचाई वगैरह होती है वो सिंचाई कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो वो इन्हीं चीजों से क्या होती है यहीं से अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा है राइट right? यहां पर देखिए ये रंजीत सागर डैम बना हुआ है दिस इज पठानकोट ये यह यहाँ पे आपको पठानकोट दिखाई देगा दिस इज गुरदासपुर दिस इज पठानकोट तो जब पठानकोट को आप यहां पे जूम करते जाते हो सो दिस इज रंजीत सागर डैम ये रंजीत सागर बांध है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको जो मैंने जूम किया हुआ है राइट ये रंजीत सागर बांध है और ये यहाँ पर अगर देखें तो किस नदी पे बना हुआ है रंजीत सागर बांध तो ये आपका देखो सबसे बड़ी चीज पंजाब में जो सिंचाई का सबसे मेन सोर्स है यह रंजीत सागर डैम और रंजीत सागर डैम से अगर देखें तो काफी हद तक सिंचाई होती है इसके ऊपर अगर आप ऊपर साइड देखोगे ऊपर साइड एक छोटा सा रिजर्वायर है राइट right? इस रिजर्व को हम क्या कहते हैं ये आपका एक रिजर्व वायर है छोटा सा ठीक है और इस रिजर्व वायर से जो पानी आता है यही पानी वहां पर क्या कर दिया जाता है चमेरा रिजर्व वायर से जो पानी आता है इस चमेरा रिजर्व के पानी को ही यहाँ पे इकट्ठा कर दिया जाता है राइट right? इसमें इकट्ठा कर दिया जाता है इस पर्टिकुलर डैम में इसके ऊपर ये देखो ये आपका लगभग हिमाचल प्रदेश की ही बाउंड्री यहां पर लगती है और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री से लग कर के ही बना हुआ है इसके नीचे साइड अगर आप देखोगे तो ये जो डैम है ये आपका कहां पर है हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में ये एक रिजर्वायर है राइट मतलब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये महाराणा प्रताप सागर है ये ब्यास नदी पे बना हुआ है ये एक जो पर्टिकुलर लैंड है पांच रिवर का फाइव रिवर का लैंड कहलाता है इसके साथ साथ अगर आप देखें तो चूंकि ये ज्योग्राफिकल अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्या है इसका जो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसकी वजह से यहाँ से पानी काफी हद तक आगे बढ़ता है ये पठानकोट सिचुएटेड है इस पर्टिकुलर डैम के पास स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे यहाँ पे लगभग पंजाब के एक बहुत बड़े एरिया में क्या होती है सिंचाई होती है ओके यहाँ पर देखिए इसके बाद जो सीजवान या सीजवान डैम है ये आपका सीजवान खाड़ खरार में बना हुआ है और जयंती डैम कहां पर बना हुआ है सूख रेवर ये भी खरार में ही बना हुआ है आगे बढ़ते हैं जानते हैं नदियों के बारे में तो जैसे कि मैं भी आपको दिखा रहा था राइट सतलुज ब्यास और रावी ये तीनों नदियां कहां से गुजरती है पंजाब में अच्छा इसमें पहले पांच रिवर हुआ करती थी ये झेलम चिनाब रावी सतलुज और ब्यास लेकिन जब से पाकिस्तान बना है तब से यहां पे कितनी नदियां रह गई हैं नदियां यहां पर रह गई हैं सिर्फ तीन राइट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहां पर देखो विच ऑफ द फॉलोविंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पंजाब पंजाब में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है सबसे लंबी नदी कौन सी है पंजाब की तो इसका अगर आप सही उत्तर देखेंगे यह कहला जाएगी सतलुज रिवर सतलुज रिवर पंजाब की सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और ये ट्रिब्यूटरी कहलाती है इंडस रिवर की इंडस जैसे हम क्या कहते हैं सिंधु नदी कहते हैं ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी कहलाती है राइट right? आगे देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां पर बहुत सारी हैं जैसे आप अगर देखेंगे तो अबोहर हुआ फिर बीर हुआ बीर बासोन बीर अगर कहीं पे लिखा हुआ मिलता है तो कई बार आप गैस करके भी लगा देना कि वो कहां पे होगी पंजाब में होगी राइट right? जैसे अभोहर हुआ फिर अभोहर के बाद बीर आयसवान वीर भादसन वीर भुंदेरहरी वीर धोसंज वीर गुरदालपुर वीर महासवाला वीर मोतीवाग हरकेलेख जज्जर कथलूर ताखनी, रहमपुर और नांगल दीज आर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एट पंजाब और पंजाब में कोई वर्ड सेंचुरी और नेशनल पार्क नहीं है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इसके साथ अगर आप यहां पर देखें तो जो इंपॉर्टेंट इनमें कौन कौन सी हैं वीर दोसंज वीर एसवान महासवाला गुरदालपुरा नांगल झज्जर ये इंपॉर्टेंट है बाकी है तो बहुत सारी यहां पर देखिए पावर प्लांट पावर प्लांट अगर हम पंजाब की बात करें तो थर्मल पावर प्लांट कौन कौन से हैं यहां पे देखिए गुरु नानक देव थर्मल पावर प्लांट ये सिचुएटेड है भटिंडा में इसके बाद आप देखें तो गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये रोपर में है इसके बाद अगर देखें तो गुरु हरगोविंद थर्मल पावर स्टेशन लहरा भटिंडा में बना हुआ है राइट इसके बाद आप देखें तो यहां पर जो है ना रंजीत सागर डैम हुआ फिर सहन पावर हाउस हुआ रंजीत सागर डैम और सहन पावर हाउस हुआ ये हुआ ठीक है बिल्कुल पीडीएफ इसका मिलेगा पीडीएफ आपको सेशन के बाद में मिल जाएगा एक आध घंटे बाद देखिएगा पुराने जितने भी सेशन हुए हैं सबकी पीडीएफ अपलोड करवा दी है, चेक कर लेना एक बार आगे देखिए यहां पर पंजाब में जो डांस है डिफरेंट डिफरेंट डांस फॉर्म है तो आपको यहां पे क्या याद रखना है कि पांच गिद्ध ने भांग खाकर किकी चैलेंज किया राइट तो पांच से क्या हो जाएगा पंजाब गिद्ध से हो जाएगा गिद्दा भांग से हो जाएगा भांगरा और किकी से हो जाएगा किकली राइट ये आपके इंपॉर्टेंट यहां पर डांस है जस्ट लाइक like आपका भांगरा गिद्दा झूमर धूमल धानकरा राइट और इनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं तो गिद्दा भांगड़ा और कीकली ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट है राइट ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट डांस है पंजाब के और भांगड़ा और गिद्दा तो आप सभी को पता ही होगा आगे बढ़ते हैं एयरपोर्ट्स की बात करते हैं पंजाब में कौन कौन से फेमस एयरपोर्ट है तो सबसे पहले आप यहां पर देखिएगा लुधियाना का जिसको हम बोलते हैं सहनेवाल एयरपोर्ट लुधियाना में है श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा दिस इज अमृतसर एयरपोर्ट फिर आता है भटिंडा एयरपोर्ट और भटिंडा एयरपोर्ट के बाद पठानकोट एयरपोर्ट जो पठानकोट में है पठानकोट एयरपोर्ट के अलावा अगर अपन देखें तो ये जो डिफेंस वाला सिस्टम है ना पठानकोट मेजरली किसके लिए है डिफेंस डिफेंस एरोड्रम है यहां पे देन यहां पर देखिए स्टेडियम में मोहाली स्टेडियम के बारे में आप सभी को पता होगा मोहाली क्रिकेट ग्राउंड के बारे में उसके अलावा आप यहां पर देखिए कौन कौन से स्टेडियम है तो सबसे पहले श्री गुरु गोविंद सिंह जी स्टेडियम जो मल्टीपर्पज स्टेडियम है जल जलंधर में देन आ जाता है इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम ये हॉकी मोहाली में है हॉकी के साथ मोहाली में एक और है पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम जिससे कि हम मोहाली कहते हैं मोहाली में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन है यह भी क्रिकेट का स्टेडियम है ये कहां पर सिचुएटेड है मोहाली में मतलब मोहाली में दो स्टेडियम है एक आपका इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम और दूसरा जो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का क्रिकेट स्टेडियम राइट ये यहां पर आ जाएगा फिर यहां पे देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ पंजाब पंजाब की किस शहर में इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम लोकेटेड है जलंधर मोहाली भिसियाना और मोगा कहां पर है सही उत्तर इसका बताना है तो राइट आंसर क्या कहला जाएगा द राइट आंसर इज मोहाली अभी मैंने आपको बताया कि जो लुधिया मोहाली है तो मोहाली अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है मोहाली में आपका जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है ये आपका सिचुएटेड है मोहाली में है ना और क्रिकेट के साथ साथ मोहाली में कौन सा स्टेडियम है तो क्रिकेट के साथ साथ मोहाली में आपका जो स्टेडियम जिसे हम बोलते हैं हॉकी का इंटरनेशनल स्टेडियम ये दोनों यहीं पे हैं आगे आते हैं ट्राइब्स के बारे में जानते हैं तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है ना सिख ट्राइब यहां पर पाई जाती है पंजाबी बोलने वाले लोगों के लिए एक जो अलग स्टेट की डिमांड यहाँ पर पंजाब मूवमेंट के थ्रू ही हुई थी सिख के अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर खतरी क्लैन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं खतरी क्लैन के बाद आपके अरोरा क्लैन होते हैं और अरोरा क्लैन के बाद आते हैं जिन्हें कहा गया राजपूत दीज आर द ट्राइब्स फाउंड इन पंजाब ये पंजाब की ट्राइब है पंजाब की जो जनजातियां पाई जाती हैं एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोविंग इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पंजाब पंजाब की सबसे बड़ा शहर कौन सा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पंजाब राइट आंसर आप इसका देखें सो so इट इज कॉल्ड एज लुधियाना लुधियाना पंजाब की सबसे लार्जेस्ट सिटी है ये अकुपाई करती है अप्रोक्सीमेटली थ्री वन वन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया तीन सौ ग्यारह किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है इस पूरे के पूरे लुधियाना का एस्टिमेटेड पॉपुलेशन अगर देखो तो वन सिक्स वन डबल एट सेवन नाइन दीज आर द दिस इज द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसिस टू थाउजेंड इलेवन सेंसिस दो हजार ग्यारह के तहत ओके okay. हां बताओ कीर्ति बताओ शेयर कर सकते हैं आप दिल्ली से ही हो ज्यादा दूर नहीं है यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स सब तक अपन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स में आपको बैक साइड में हरमिंदर साहब जी तो दिख ही रहे होंगे जिसको गोल्डन टेम्पल जिन्हें कहा जाता है है ना ये गोल्डन टेम्पल कहां पर सिचुएटेड है गोल्डन टेम्पल सिचुएटेड है अमृतसर में दैट्स वही अमृतसर को हम क्या कहते हैं गोल्डन सिटी कहा जाता है तो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट में सबसे पहले तो गोल्डन टेम्पल जो श्री हरमिंदर साहेब जी हैं अमृतसर फतेहगढ़ साहेब का गुरुद्वारा जो कहाँ पर है सहोता में है फिर तख्त श्री केसगढ़ साहेब आनंदपुर साहेब राइट और इसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो जगजीत पैलेस कपूरथला और जो किला मुबारक पैलेस पटियाला है ना अब तो तुम ऐसे बोलोगे ही दिल्ली नहीं घुमाए तो पंजाब में ही अपना घर ढूंढ लो <laughs> है ना बताओ जल्दी से क्या सिर्फ सबसे ज्यादा जो पांच के होते हैं पता है पांच के सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं तो ये इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है पंजाब के इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट रीजनल फेस्टिवल कौन कौन से हैं यहां पर आपको लोहरी जलते हुए दिखाई पड़ रही होगी पंजाब में लोहरी हुआ बसंत पंचमी हुआ होला मोहल्ला वैशाखी गुरुपुरब या जिसको गुरु पर्व कहते हैं फिर जो आपका हरिवल्लभ संगीत मेला और जोर मेला ये आपके रीजनल फेस्टिवल कहला जाते हैं राइट ये आपके रीजनल फेस्टिवल कहला जाते हैं पंजाब के लोहड़ी यहां पे सबसे ज्यादा मनाई जाती है और आप सभी को पता है लोहरी में क्या होती है शादी भी हो जाती है राइट वेरी गुड केस कंघा, कच्छा कृपान एक के रह गया एक के रह गया आगे बढ़ो यहां पर टूरिस्ट अट्रैक्शन मैं आपको जो गोल्डन टेम्पल है वो तो दिखा ही चुका गोल्डन टेम्पल के अलावा अगर आप देखेंगे तो जो गोल्डन टेम्पल के अलावा यहां पर है ना फतेहगढ़ साहेब हुए गुरुद्वारा इसके बाद यहां पर देखिए तख्त श्री साहेब आनंदपुर साहेब हुए कड़ा ठीक है कड़ा आप सभी ने देखा होगा पंजाब के लोग बहुत ज्यादा पहनते हैं इसके बाद देखिए आगे जगजीत पैलेस हो गया कपूरथला का किला मुबारक पैलेस जिसको कहा जाता है जलियावाला बाग जलियावाला बाग को कौन भूल सकता है राइट right? 1919 में वो भीषण नरसंहार यहीं पे हुआ था बाघा बॉर्डर आप यहां पर देख ही रहे होंगे बाघा बॉर्डर ये भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है जो तो यहां पर आता है ठीक है इसके बाद देखिए यहां पर क्या आ जाता है जिसे बोला गया दमादमा भटिंडा ये आपके मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है पंजाब के राइट ये आपके मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है पंजाब के इसके बाद यहां पर देखिए एक क्वेश्चन तो है क्वेश्चन पर वाला बाग से पूछा गया है कि मसाकेर इज ऑल्सो नोन है जलियावाला बाग हत्याकांड को और किस नाम से जाना जाता है ठीक है जलियावाला बाग हत्याकांड को किस नाम से जाना जाता है तो आप सभी को इतिहास का वो काला दिन याद होगा जिसे अमृतसर मसाकेर के नाम से जानते हैं और ये थर्टीन अप्रैल 1919 का दिन था 13 अप्रैल 1919 का दिन था जब बैशाखी के दिन सारे लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे डॉक्टर सत्यपाल और किचलू जी की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए क्योंकि इनको इनका जो एक एक्ट लाए थे जिसको ब्लैक एक्ट कहा गया रॉलेट एक्ट उसके तहत अरेस्ट कर लिया गया था और जनरल डायर के द्वारा यहां पर इनके ऊपर गोलियां चलवा दी गई थी जब गोलियां चलवाई गई तो कितने सारे लोग मारे गए थे ऐसे नहीं कहा जाता है आजादी मिली थी ये भी एक पार्ट था आजादी का राइट और अगर आप गए होंगे अमृतसर में सिचुएटेड है जलियावाला बाग एक छोटा सा कुआं है कहा जाता है उस कुएं में से भी लगभग 300 से 400 लोग निकाले गए थे आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम जानते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के बारे में तो देखिए ज्योग्राफिकल इंडिकेटर तो मैंने बताया था फुलकारी फुलकारी कहां पर है पंजाब हरियाणा और राजस्थान ये तीनों स्टेट में इसको जी टैग मिला हुआ है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर रीजन वाइज में जो फेमस होता है राइट यस yes. ये यहां पर ध्यान रहेगा आपको और ज्योग्राफिकल इंडिकेटर में फुलकारी आ जाएगा आगे देखिए मैंने यहां पर एक क्वेश्चन रखा है आप सभी के लिए क्वेश्चन यहां पर यह पूछा गया है आपसे प्रेसिडेंट रूल वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंजाब ऑन पंजाब में सबसे पहली बार जो राष्ट्रपति शासन है वो कब लगाया गया था देखिए अगर बाई डेज की हम बात करें तो दिनों के हिसाब से पंजाब में सबसे ज्यादा समय तक क्या लगा रहा है पंजाब में सबसे ज्यादा समय तक लगा रहा है आपका जो इमरजेंसी है राइट स्टेट इमरजेंसी आप सभी को पता है और अगर हम बाई नंबर देखें तो कहां पे सबसे ज्यादा लगी है बाई नंबर अगर देखें तो ये लगी हुई है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ठीक है तो पंजाब में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 20 जून 1951 20 जून 1951 को लगाया गया था प्रेसिडेंट रूल और तब से अभी तक में अगर देखें तो पंजाब में आठ बार एट टाइम्स जो है ना इमरजेंसी लगाई गई स्टेट इमरजेंसी इमरजेंसी के जो प्रोविजन है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट एटीन आर्टिकल नंबर थ्री फिफ्टी टू से लेकर के थ्री सिक्सटी के बीच में डिफाइन किए गए हैं इमरजेंसी प्रोविजन जिनमें से आर्टिकल नंबर 352 फिफ्टी टू किस डील करता है आपका नेशनल इमरजेंसी से 356 डील करता है स्टेट इमरजेंसी से 360 डील करता है किससे फाइनेंस इमरजेंसी से आठ बार पंजाब में जो है ना अभी तक अगर देखा जाए तो इमरजेंसी लगी है भाई जितने लोग यार पंजाब से प्यार करते हैं एटलीस्ट वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर जरूर करें वीडियो को हम यहाँ पे वी आर ऑलरेडी फिफ्टी पचास के आसपास पास हम लोगों से थर्टी लोगों ने अटेंडेंस मार्क किया हुआ है डेली मैं आपके लिए एक स्टेट लेकर के आ रहा हूं सो so दैट आपकी लर्निंग अच्छी हो सके और आपका स्टेट एक जीके या जिसको अपन इंडियन जोग्राफी कह रहे हैं वो एक काफी हद तक अच्छे से प्रिपेयर हो जाए राइट right? तो इतना तो आप कर ही सकते हैं अब आप तो आपको पीडीएफ भी मिल रहा है सिर्फ क्या करना है आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से ठीक है और देखो अगर हम यहाँ पे एब्सोल्यूट नंबर ऑफ डेज की बात करें तो नंबर ऑफ डेज में ऐसा कहा जाता है कि पंजाब में टोटल तीन हजार सौ दस दिन तीन हजार दस दिन के आसपास तक प्रेसिडेंट रूल रहा है राष्ट्रपति शासन यहां पर रहा है पंजाब में ठीक है अब देखो 1887 से 92, टू से लेकर के बानबे के बीच में पंजाब अंडर कंट्रोल था राष्ट्रपति के पांच कंजेकेटिव लिए। भारत में अगर हम नंबर ऑफ वैसे अगर देखें कितने बार लगी है तो कितने बार में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश आ जाता है लेकिन नंबर ऑफ डेज के हिसाब से पंजाब में सबसे ज्यादा समय तक इमरजेंसी रही है राइट और नहीं जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा नहीं रही है प्रियंका नंबर ऑफ डेज में अगर अपन देखें तो ये पंजाब है नंबर ऑफ डेज में ठीक है तो गाइज ये था आज का सेशन आज की क्लास में इतना ही अगर हम यहाँ पर समराइज़ करें तो जितने पॉइंट हम हर स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे पॉइंट हमने आज यहाँ पर डिस्कस किए हैं पंजाब के बारे में और अपना जो लगभग उत्तर भारत है नॉर्थ इंडिया कंप्लीट होने वाला है उत्तर भारत कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अपन चलेंगे कहाँ पर दक्षिण भारत की तरफ राइट right, उत्तर भारत कंप्लीट होने के बाद अपन चलेंगे दक्षिण भारत की तरफ उत्तर भारत में हमने कौन कौन से स्टेट कर लिए हैं यहाँ से देखो अगर स्टार्ट करोगे तो महाराष्ट्र हमने सबसे पहले नंबर पे डिस्कस किया था महाराष्ट्र के बाद हमने आपको वेस्ट बंगाल के दर्शन करवाए थे वेस्ट बंगाल के बाद अपन बिहार गए थे बिहार के बाद राजस्थान राजस्थान हरियाणा फिर गुजरात गुजरात के बाद हम आगे बढ़े आज पंजाब और मध्य प्रदेश भी हो चुका है अगली क्लास में अपन चलेंगे या तो उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड छत्तीसगढ़ फिर हम उड़ीसा से कहां पर एंट्री करेंगे साउदर्न रीजन में उसके बाद अपन जाएंगे कहां पर ईस्टर्न रीजन में राइट सो आई होप कि आप सभी यहां पर ये यह जो सेशन है इसको बहुत अच्छा आ, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट भी है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है जो मैं डेली दो तीन घंटे की मेहनत करके चार घंटे की पाँच घंटे की मेहनत करके आपके लिए इतना वेरीफाइड डेटा निकालता हूँ ट्रिक्स वगैरह फोटोज़ वगैरह सारी चीज़ें तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और टेक्सबुक के चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा नोटिफिकेशन मिले या नहीं मिले आप हमेशा नाइन पी एम यहाँ पर क्या हो जाया करिए जुड़ जाया करिए एक स्टेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे ही ओके आज के लिए इतना ही मिलेंगे कल एक नए स्टेट के साथ टिल देन टेक क्या बाय गुड नाइट ऑल